तो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इंस्टाग्राम की तरफ से एक और नया अपडेट है, फीचर देखने को मिल जाएगा आपकी जो आपकी प्रोफाइल है उसमें आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा। इस फीचर का नाम है शेयर प्रोफाइल। ये प्रोफाइल शेयर क्या है, इसके यूज़ कैसे करना है, आपको अपनी प्रोफाइल को शेयर कैसे करना है, वो सारा आपको मैं डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बस आपको क्या करना हो, छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो भी अपडेट या फीचर आता है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्टेड। फीचर को जानने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद इसको यहाँ से इंस्टाग्राम सर्च करके इसको सबसे पहले अपडेट कर लेना है, यानी कि जो भी लेटेस्ट वर्जन आ रहा होगा इसको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है। अपडेट करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ से अपनी प्रोफाइल पर विजिट करना है। प्रोफाइल पर विजिट करने के बाद यहाँ से आपको एक राइट हैंड पे ऑप्शन मिल जाएगा शेयर प्रोफाइल, यार इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना होगा, आपकी जो प्रोफाइल का क्यूआर कोड है, यानी कि जो आपकी प्रोफाइल का क्यूआर कोड है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और उसके बराबर में या इसके नीचे आपको यहाँ से दो ऑप्शन और मिल जाएंगे, यानी कि एक तो आपकी जो क्यूआर कोड है उसको यहाँ से सेव करके देन यहाँ से आप अदर प्लेटफॉर्म पे यहाँ से उसको शेयर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हुआ फेसबुक हुआ व्हाट्सअप हुआ इट इज़। तो यहाँ से आपको जो दूसरा ऑप्शन है, यानी कि जो आपकी प्रोफाइल होती है उसकी जो लिंक होती है उसको कॉपी करके देन यहाँ से आप किसी को भी शेयर करके अपनी जो प्रोफाइल होती है उस पर विजिट करवा सकते हैं। और आपको जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ से आपको राइट हैंड पे ऊपर कॉर्नर पे मिल जाएगा, यानी कि इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की प्रोफाइल को यहाँ से सर्च करते हैं देन यूज़र नेम डाल के उसको सर्च कर देते हैं और उसकी प्रोफाइल यहाँ से शो नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसे जो भी आपकी प्रोफाइल सर्च करनी है उसका यहाँ से क्यूआर कोड करके यहाँ से इसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद इधर देन आप जिसकी भी प्रोफाइल सर्च करना चाहते हैं उसकी डायरेक्ट प्रोफाइल पे आप विजिट कर पाएंगे। इसमें आपको एक प्लस पॉइंट और मिल जाते हैं, यानी कि जिसकी भी आप प्रोफाइल सर्च करना चाहते हो चाहे वो विदेश में ही क्यों ना बैठा हो आप उसकी इजीली प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, उसको जो भी इसकी भी प्रोफाइल सर्च करनी है देन यहाँ से आपको क्यूआर कोड उसको स्कैन कर ले प्लेटफॉर्म पे उसका क्यूआर कोड यहाँ से मंगवा सकते हैं। देन यहाँ से आप उसकी प्रोफाइल को स्कैन करके डायरेक्ट आप उसकी प्रोफाइल पे विजिट कर पाएंगे। तो पर्सनली अपडेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी की प्रोफाइल सर्च करता हूँ देन यहाँ से उसकी प्रोफाइल विजिट नहीं होती है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्यूआर कोड ले लेता हूँ देन यहाँ से सर्च करके इसकी प्रोफाइल पे विजिट करना होता है, डायरेक्ट यहाँ से इसकी प्रोफाइल पे मैं विजिट कर पाता हूँ। तो आपको अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो जाइए उस अपडेट का यूज़ कीजिए, पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो भी अब टिप्स या ट्रिक्स आती है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड टिप्स के साथ, टेक केयर एंड बाय।